अरे ओ भैया अब ये खबर किसने फैला दिया कि रेस फोर में नन अदर दर सलमान खान लौट रहे हैं आने वाले हैं मूवी बन रही है हेलो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका दोस्तों हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में इवन आप लोग कह सकते हो कि ये वीडियो बिलोंग टू सलमान खान ना केवल रेस फ़ोर बल्कि गाइज यहाँ पे सलमान खान के कुछ और अपडेट्स भी इसी वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे क्योंकि गाय देखो लोग इंस्टाग्राम तक पहुँच गए भाई साहब नाक में दम कर दिया कि बताओ भाई रेस फ़ोर का बताओ अपडेट आ रहे हैं मूवी में सैफ़ और सलमान एक साथ नज़र आ रहे हैं मुझे एक बात बताओ भाई सैफ़ अली खान और सलमान खान क्या किसी कभी मूवी में एक साथ दिखाई दिए हैं मैं गाई दिमाग लगा रहा हूँ मुझे कोई नाम सूझ नहीं रहा बताना ज़रूर लेकिन गाइज यहाँ पे जो फैंस कह रहे हैं जो उनके अपने मन में गाइज वो ख्याली प्लाव जो गाइज पका रहे हैं क्या ये सही में दोस्तों ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ये दूर दराज की बातें हैं इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे वहीं इसके अलावा दोस्तों सलमान खान की कुछ मूवीज़ के अपडेट हम लोग बात उसके ऊपर बात करेंगे भूल और यहाँ पे साजिद नद्यात वाला ग्रैंड सन की ही तो मूवी है भाई ए आर मुर्खाधोस वाली इसके अलावा तो और सारी मूवीज़ अभी कह सकते हैं कि पाइपलाइन में अटकी हुई है गाइज़ कुछ दो हैं जो निकली है अभी तो करेंगे बात लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लाइट स्टार्ट रेस थ्री गाइज इंडस्ट्री की एक ऐसी मूवी थी जिसका हाइप गाइज कह सकते हैं कि ऐसा था कि भाई क्या कहने मतलब सलमान खान की गाइज नॉन फ्रेंचाइजी मूवी की के ही हाइप मतलब ज़बरदस्त होती है लेकिन यहाँ पे तो उसको फ्रेंचाइज का गाइज फ़ायदा मिल गया था रेस वन रेस टू और फिर रेस थ्री मतलब बहुत ज़बरदस्त वो सो उसके ट्रेलर में भी व्यूज़ आए थे और बॉबी देवल आ रहे थे भाई साहब कह सकते हैं कि दोस्तों काफ़ी सालों का यहाँ पे वनवास के बाद बॉबी देवल जो कि आजकल लॉर्ड बॉबी देओल के नाम से जाने जाते हैं कह सकते हैं कि गाय सलमान खान ने ही उनको रु पहले पर्दे में वापस बुलाया और कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि यार रेस थ्री कुछ के लिए आ, मतलब गाइस बेकार भी रहा तो कुछ की ज़िंदगी भी सवरी लेकिन यहाँ पे वो मूवी गाइस बॉक्स ऑफिस में चली नहीं इवन काफ़ी क्रिटिसाइज़ का भी सामना करना पड़ा और मे बी शायद जहाँ तक मैं सही हूँ उसकी रेटिंग में दोस्तों बहुत बेकार है मे बी शायद आई की बात करते हैं तो दो या ढाई ऐसा ही कुछ या फिर उससे भी नीचे लेकिन गाइज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर यार बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी थी पार्ट वन पार्ट टू देख लीजिए अली अब्बास अब्बास कहाँ से आ गया अब्बास मस्तान जो गाइज डायरेक्टर थे पता नहीं गाइज़ यहाँ पे रमेश तरानी को हुआ क्या कि उन्होंने तीसरे पार्ट के लिए इतने बड़े सुपरस्टार जहाँ गायस यानी कि सलमान खान वाली मूवी के लिए अलिया अब्बास अब्बास फिर मुँह से निकल रहा है माफ़ करना मतलब यहाँ पे अब्बास मस्तान को नहीं लिया गाइज़ अब्बास मस्तान की अगर आप लोग मूवी या फिर उनकी फ़िल्मोग्राफी में ध्यान दो तो भाई ये बंदा मूवी को एंटरटेन मतलब मूवी गाइज कैसी भी हो एंटरटेनिंग का फैक्टर उसमें रहता ही रहता है लेकिन रेस्त्री गाइज काफ़ी कह सकते हैं कि भयात मूवी थी हाँ ये बात मैं भी मानूंगा लेकिन गाइज़ कह सकते हैं कि मूवी का हाइप बहुत तगड़ा था और मूवी ने गाइज कह सकते हैं कि कलेक्शन भी मतलब बजट के हिसाब से कर लिया था फ्लॉप तो, तो नहीं कहेंगे एवरेज जरूर कहेंगे लेकिन गाइज यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि उसका पार्ट नेक्स्ट बनने वाला है और वो भी सलमान खान के साथ क्या आप लोग मानोगे भाई साहब मैं भी नहीं मानूंगा इवन अगर मुझे कोई आ, मतलब गाइज मतलब गाईस, कोई क्या खुद गाइज सलमान खान भी कहे ना कि रेस फोर में है मैं होने वाला हूँ फिर भी गाइज मैं नहीं मानूंगा क्योंकि ये पचने वाली चीज़ ही नहीं है भाई मुझे एक बात बताओ यहाँ पे वो मूवी चली नहीं और ऊपर से गाइज यहाँ पे लोग आ, उस मूवी का गाइज मजाक उड़ाते हैं तो अब मुझे एक बात बताओ कि उसको कौन देखने जाएगा मुझे ज़रा एक बात बताओ हाँ हाँ भाई साहब हाँ यहाँ पर अगर एक मिनट के लिए गाइज़ रेस फोर में सैफ अली खान की एंट्री होती है तो शायद गाइज़ लोग जा सकते हैं और आप लोग बोलेंगे कि यार सलमान खान तो सलमान खान है ब्रांड है लेकिन गाइज मुझे लगता है कि सलमान खान को उस फ्रेंचाइजी से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि रेस बिलोंग टू यहाँ पे सैफ अली खान रेस मूवी सैफ अली खान के ही गाइज नाम पे चलेगी क्योंकि उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री में अपनी करियर में गाइज कह सकते हैं कि यार वही तो एक ऐसी मूवी दी है जो उसके नाम पर बिकी है जहाँ इस तो कह सकते हैं कि गाइज यहाँ पर रमेश तोरानी ने पार्ट थ्री में सही नहीं किया था अगर आप लोग सलमान खान को ले रहे हो तो उसमें सैफ अली खान को भी लेना चाहिए था मुझे लगता है क्योंकि असली गाइस सिकंदर वही थे हालांकि रेस थ्री में सलमान खान थे मजाक से हट के गाइज़ यहाँ पर बहुत तगड़ा रूमर्स उठ रहा था यार रेस फोर आ रहा है रेस फोर आ रहा है लेकिन गाइज़ ये अभी आप लोग कह सकते हो कि दूर की बातें हैं हालांकि गाइज़ यहाँ पे रमेश तुरानी ने सोचा तो ज़रूर है लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाइज़ वो बड़े स्टार को लेके अपने इस मूवी का पैसा बजट बढ़ाएंगे यहाँ पे आएगा तो गाई यहाँ पे सैफ अली खान के साथ आ सकता है जितनी खबर आ रही है हालांकि गाय यहाँ पे सलमान खान को अगर आ, लाया जाएगा तो मेरे हिसाब से ये अच्छा फैसला नहीं होगा और सलमान खान को शायद करना भी नहीं चाहिए हाँ यहाँ पे दबंग फोर आप कर सकते हो जाना दबंग फोर दबंग जो थ्री थी वो इतनी बेकार नहीं थी ठीक थी गाइज वो मूवी तो यहाँ पर रमेश तौरानी अगर रिस्क लेते हैं तो वो सैफ़ अली खान के साथ ही जा सकते हैं क्योंकि लोग गाइस थोड़े से तसल्ली हो जाएगा उनको कि हाँ भाई ये बात है बाकी अगर देखो भाई कुछ अपडेट्स आ जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी गाइस आप लोग कह सकते हो कि सलमान खान नहीं होते हुए दिखाई दे रहे क्योंकि गाय देखो खुद ही वो बुल मूवी कर रहे हैं यहाँ पे ए आर मुर्गा धौस वाली मूवी कर रहे हैं और गाइस सलमान खान ने कसम खा रखी है कि वो किसी उठाई गिरी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे ही नहीं और हमने गाइस रिक्वेस्ट की थी किसी का भाई किसी की जान अंतिम राधे ये सब छोटे छोटे बजट की गाइज मूवी सलमान खान को करनी चाहिए ही नहीं हालांकि रेस फोर एक बहुत बड़े बजट की मूवी होगी अगर सलमान खान आएंगे तो क्योंकि ऑटोमेटिक गाइज उसका बजट बढ़ जाएगा लेकिन मैं आपको बताऊँ गाइस रेस वन और रेस टू का बजट जितना था उसका गाइज कह सकते हैं कि दुगना से तिगना जो बजट है वो उसका था रेस थ्री का लेकिन सबके लिए गाइज वो मूवी बेकार नहीं थी बॉबी देवल उठ गया भाई उस मूवी से बाकी गाइज यहाँ पे कुछ और खबरें आ रही हैं सलमान खान से रिलेटेड अब देखो गाइस कल अली अब्बा जफ़र ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बात की जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैंने ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया लेकिन बहुत कुछ बचा है भाई बहुत कुछ बचा है ये बस आपने इतना सा कुछ देखा है ट्रेलर में बहुत कुछ रहता है और गाइज़ यहाँ पे उन्होंने सलमान खान की भी तारीफ़ की कि उन्होंने हमारे ट्रेलर को जेनरली काफ़ी पसंद किया और ट्वीट किया कुछ सब बोले जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा तो कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे सलमान खान ने आ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस बार की यदि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को दो बाकी गाई यहाँ पे अगर हम लोग बुल मूवी के अपडेट्स आपको कुछ बताने की कोशिश को करें तो गाई देखो ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है लेकिन पहले भी मैंने आपको कहा था और एक बार फिर से इसी वीडियो में दोस्तों कहूँगा कि ये मूवी डब्बा बंद नहीं हुई है ये मूवी इसी साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में दोस्तों फ्लोर में जाने वाली है और जहाँ तक की गाइज रही बात ए आर मुर्गाज वाली मूवी की वो तो मेरे ख्याल से उससे पहले ही दोस्तों फ्लोर में चली जाएगी और दोनों ही मूवी की शूटिंग में भी शायद सलमान खान एक साथ करें अगर तो गाइज यहाँ पर जो राइटिंग है उसकी हो जाए पूरी यहाँ पर करण जौहर वाली मूवी की क्योंकि ये ए आर मुर्गा दौस वाली मूवी तो गाइज कम्फर्म ही मतलब बनी रही है कुछ महीनों के बाद शूटिंग शुरू शुर हो जाएगी क्या कहना है आपको बताओ रेस थ्री भूल जाओ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी रेस थ्री बोल रहा हूँ रेस फोर भूल जाओ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही